સેલવાસના આંબલી વિસ્તારમાં આવેલ બાલાજી મંદિરથી હનુમાન મંદિર સુધી થાય કુસુમની ભવ્ય કળશ યાત્રા યોજવામાં આવી હતી. માતા પાર્વતીએ ભગવાન કાર્તિકીયને એક અસુરનો વધ કરવા શસ્ત્ર આપ્યું હતું, જેનાથી કાર્તિકીએ આ શસ્ત્રથી અસુરનો વધ કર્યો હતો. આ પર્વને દક્ષિણ ભારતીયો દ્વારા થાય કુસુમ ઉત્સવ તરીકે મનાવવામાં આવે છે, જે અંતર્ગત બાલાજી મંદિરમાં ત્રિદિવસીય ધાર્મિક કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ભવ્ય શોભાયાત્રા નીકળ્યા બાદ બાલાજી મંદિરે ભગવાન કાર્તિકીયની પૂજા અર્ચના સહિતના ધાર્મિક કાર્યક્રમો યોજવામાં આવ્યા હતા. नमस्कार है. हमारे मंदिर तिरुपति बालाजी मंदिर सिलवासा में 21 तारीख से आज तक थाईपूसम का महोत्सव हो रहे हैं. इस 21 तारीख को थाईपूसम था और पुष्य नक्षत्र का दिन में अम्बा पार्वती ने श्री कार्तिकेय स्वामी को ताटकासुर को वधम करने के लिए अस्त्र दिए थे. वो दिन को तैपूसम करके कहेंगे. वो तैपूसम का 3 दिन का हमारे मंदिर में 3 दिन का महोत्सव होता है. आज तीसरा दिन का महोत्सव है, इसलिए 130 कलश में दूध लेकर हर भक्तजनों ने उनका प्रार्थना और जो है वो संकल्प करके श्री कार्तिकेय भगवान का यात्रा होता है. आज का दिन ये यात्रा पे सब भक्तजनों ने बहुत विशेष कलश उठा के लेकर जाएंगे, यात्रा करेंगे. उसमें जाएंगे तो हमारा पाप पूरा निकल जाएगा. जैसा कार्तिकेय भगवान ने ताटकासुर को वधम किए थे वैसा हमारा पाप भी निकल जाएगा. इसलिए हमारा मंदिर पे ऐसा विशेष करते हैं. आज तीसरा दिन का महोत्सव चल रहे हैं. हर भक्तजन को श्री कार्तिकेय भगवान का परिपूर्ण कृपा कटाक्ष मिलना चाहिए. ओम श्री कार्तिकेय स्वामिने नमः.